नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वीए से रिलेटेड। जी हाँ भाई, वीए आपने आपको पता भाई, वीए है, गल्फ है, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत वगैरह सब कंट्रियों में कानून स्टिक हैं। जी हाँ, और जो हरामी लोग, जो एजेंटों की हम बात करेंगे और कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा भाई, आप चाहे दुबई में बैठे हैं चाहे आप इंडिया में बैठे हैं, क्योंकि मेरे पास जो व्हाट्सअप आ रहे हैं ना उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। ये कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं है कि वो न्यूज़ आ रही थी, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे पास आ रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ, दुबई में कानून सख्त है, नो डाउट। चीटिंग बाजी नहीं के बराबर होती है, नो डाउट। लेकिन और लेकिन चोर है ना, चोर आपने देखा होगा यार, पानी अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। आपने देखा होगा कि पानी बहुत सारा है तो उसको जैसे ही किधर रास्ता मिले वो निकल जाता है। सेम ये एजेंट चोरों की कहानी है, ये लोग रास्ता ढूंढ ही लेते हैं लास्ट में। अभी एक वीए में खेला चल रहा है, अगर आप वीए सर वीए में रह रहे हैं या फिर इंडिया में भी आप ये मेरी बातें सुन रहे हैं, तो एक वीए में बैठ के लोग खेला कर रहे हैं। जी हाँ, अब भाई ये वीए में बैठ के कर रहे हैं या इंडिया में बैठ के कर रहे हैं, इस बात का भी अभी पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताना, ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आप वीए में भी हैं, आप इंडिया में भी हैं, आपके साथ इनमें से कौन सी घटना घट रही है या आप अंडर प्रोसेस हैं उस घटना में घटने के लिए, क्योंकि पिछले 10 दिन में कम से कम 15 से 20 ऑफर लेटर मेरे पास ऐसे आए। जी हाँ, वीए में बैठ के आजकल कंपनियां तो आपको कम जॉब देती हैं, जो दल्ले बैठे हैं वहां पे वो आपको डायरेक्ट जॉब देने लग गए, बिना किसी ऑफर, बिना कोई आपका डॉक्यूमेंट लिए आपको ऑफर लेटर डाल रहे हैं। जी हाँ, इन चीजों में कितनी सच्चाई आपको पता है? दुबई में भी ऐसा हो रहा है। मेरे पास पिछली बार एक केस आया था, एक लड़की, लड़कियां कम नहीं है भाई, आप लड़की अगर वीडियो देख रहे हैं तो बच के रहना। दुबई में भी लड़कियां बैठी हैं, इंडिया में नहीं, दुबई में भी बैठी हैं ऑफिसों में, और उनका टारगेट होता है आज हमें 10 बंदों को टारगेट करना है, उनसे 10,000 दराम 1,500 दराम 2,000 रुपये कहाँ के नाम से लेते हैं? दुबई को छोड़ो ना, गोली मारो, दुबई जॉब नहीं लगवाते हो, कनाडा भेजते हैं आपको। जी तो ये आप मुझे ज़रूर बताना कि दुबई में रहते हुए कितने, अगर मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो आप कितने लोगों ने यूरोप कंट्री जाने का सपने लेने के, सपने को साकार करने के चक्कर में कितने लोगों को आपने पैसे दे रखे हैं कनाडा के नाम से? सबसे ज़्यादा कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रसिया, और भी बहुत सारे देश हो सकते हैं। किसी भी देश के नाम से आपने वीए में जो ऑफिस में डाल के लोग बैठे हैं और इनके पास लाइसेंस भी ले रखा है उन्होंने रिक्वायरमेंट का, लेकिन वो लाइसेंस देखेंगे ना तो वो 2 नंबर का लाइसेंस है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी कंट्री, थर्ड पार्टी बंदा दुबई में जाके बैठता है और उसको लाइसेंस लेना होता है, तो सिर्फ उसको लाइसेंस कहाँ का मिलेगा? वीए सरकार, वीए के अंदर अंदर जॉब लगवाने का। उसी लाइसेंस को इंडर, उसी लाइसेंस को दिखा दिखा के आपको कनाडा पहुंचा देते हैं, जबकि वो पूरा 2 नंबर में है, वो इलीगल तरीके से। कितने लोग फंस चुके हैं या कितने लोगों ने पैसे दे रखे हैं मुझे ज़रूर बताना ताकि पता लगे। जी हाँ, एविडेंस है तो एविडेंस भी मुझे डालना। बाकी देखिए, दूसरा एक सिस्टम ये भी चल रहा है कि भाई दुबई में बैठ के लोग इंडिया में ऑफर लेटर डायरेक्ट भेज रहे हैं। जी हाँ, इसका आगे हम और भी उपाय मैं बताऊँगा। दुबई में बैठ के लोग इंडिया में ऑफर लेटर डायरेक्ट भेज रहे हैं, सब कुछ फ्री है, तनख्वाह तो 2400-2500 सैलरी हर ऑफर लेटर में मिल जाती है, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वीज़ा दे देंगे, टिकट दे देंगे, ऑफर लेटर दे देंगे, पैसा नहीं दोगे? देने पड़ेंगे ना आपको, सब कुछ दे रहे हैं भाई, पैसा क्यों नहीं देंगे? देने पड़ेंगे फिर भी, कितने और पैसे भी कितने देने पड़ेंगे? सिर्फ 8,000-10,000 जो केस मेरे पास आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, इतना ही पैसा। एक तो मेरे कल बंदे का, एक मेरा पर्सनल फोन है, कल एक मेरा गांव का बंदा बोला यार ये मुझे ऑफर लेटर मिला है, आप देख सकते हैं इस मोबाइल में ऑफर लेटर भेजा है, अब बताओ ये ऑफर लेटर दुबई का, बंदा दुबई में बैठा है, फेक सिस्टम है। तो इन चीज़ों से बचने की जरूरत है आपको। देखिए, आपको कुछ भी, आप दुबई में भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं, दुबई में भी चल रहा है भाई आजकल, ये स्टार्ट हो चुका है, एजेंट लोग बैठे हैं दुबई में जो आपको बेवकूफ़ बना के यूरोप कंट्रियों के नाम से पैसा लेते हैं, कनाडा सिंगापुर के नाम से 1500-2000 जमा करा दो, आपको कितना में 5-6 हज़ार दराम में भेज देंगे। तो दुबई में बैठे हुए बंदे को 5-6 हज़ार दराम को ज़्यादा नहीं लगते हैं और उनको लगता है कि हाँ यार दुबई में तो चीटिंग होती नहीं है, भेज देते होंगे। बाकी कितने लोगों ने पैसे दिए, कितने लोग अब तक, अगर कोई गया भी है तो मुझे ज़रूर बताना भाई, हम भी उनका वेलकम करते हैं, उनका कौन एजेंट है वो मास्से, उनकी भी हम अपनी तरफ से बधाई देंगे उनको, तो ज़रूर बताना। बाकी इंडिया में तो ये खेला चल रहा है, इन चीज़ों से बचने की बहुत ज़रूरत है। एक एविडेंस विथ एविडेंस में आगे एक वीडियो और भी बनाऊंगा, आज तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट अभी तक आए नहीं है कि दुबई से कनाडा कैसे जाएं। जी हाँ, इंडिया में बैठे लोग दुबई से आपको कनाडा भेज देते हैं, क्या बात करते हैं, एजेंटों की बड़ी सेटिंग है भाई, टोरंटो फोरंटो है ना, वो कनाडा के राष्ट्रपति साहब है, उनसे उनकी सेटिंग हो जाती है।
वो डायरेक्ट भेज देते हैं इंडिया में बैठे हुए, बताओ। तो इन सब चीज़ें ही है ना, ये आप ऐसे मान लेना, वो सब की सब फेक है भाई। आप अगर पैसा देते हैं, आप मेडिकल करवाते हैं, बायोमेट्रिक करवाते हैं, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको पैसा क्यों देना चाहते हैं। ये आपको ऐसा लगता है सही हो रहा है, ये आपके साथ भी ऐसे कोई डॉक्यूमेंट हैं तो मुझे शेयर करना। बस ये आप लोगों के साथ बातें ही बतानी थी, बाकी ये सच्चाई है कि दुबई में बैठे लोग भी हैं तो भाई बच लेना। अगर आपको लगता है कि आपके पैसे खा रहे हैं तो मुकदमा दर्ज करवाओ उनके ऊपर, फटके हाथ में आ जाएगी उनकी। अगर उनको दुबई में रहना है, दुबई से बाहर निकलना है, तो पैसे देने पड़ेंगे। ये आपके पास है, वे में स्टिक है सिस्टम, स्टिक के साथ आपको स्टिकली होना पड़ेगा, क्योंकि आपको महसूस हो जाता है धीरे धीरे कि फेक हो रहा है, पैसे ले लिए वापस नहीं रहे, डंडा दे दो उनके पिछवाड़े में, तब जाके वो आप सिलेंडर होंगे। दो चार मुकदमा दर्ज करवा दो, ब्लैकलिस्ट होके इंडिया भिजवा दो उनको, फिर यहाँ पर मजदूरी करेगा वो, उनकी उतनी औकात होती है। समझ गए बात को? तो बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।